आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी व्रत के लिए कटलेट बनाना। कटलेट मैं जो बनाऊँगी व्रत के, वो साबूदाने और सामकिया के आटे, यानी सामा के जो चावल होते हैं जो व्रत में खाए जाते हैं उसके बनाऊँगी। और मैंने इन दोनों को 3 घंटे पहले वॉश किया और उसके बाद में उसको भिगो दिया। और भिगोते समय ज़्यादा पानी नहीं रखा साबूदाने में, यानी आपका जितना साबूदाना था उससे 1 या 1.5 इंच ऊपर तक पानी लिया। और ऐसे ही मैंने सामक के चावल जो हैं उसको भी किया। अब फ्रेंड्स, या तो आप इनको मैश कर लें हाथ से या ग्राइंडर में डाल लें। मैं इसको ग्राइंडर में डाल करके और इसको मैश करूँगी। ग्राइंड करते समय इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये फ्रेंड्स देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है और मैंने ज़्यादा एकदम से बारीक नहीं, कुछ दरदरा सा, यानी कोर्स इसको करना है आप। अब हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बर्तन के अंदर। फ्रेंड्स, इसमें अब स्वादानुसार सॉल्ट, मैं इसमें सेंधा नमक यूज़ करूँगी और इस नमक आप अपने स्वादानुसार करें। थोड़ी सी हींग, ग्रेट किया हुआ जिंजर, दरदरी काली मिर्च, कटा हुआ करी पत्ता, आपका लेमन सिर जूस और 1 चम्मच मैंने शुगर जो है वो पानी में भिगो दी थी। लेमन जूस के बाद में हम इसको शुगर को डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, इन सब की क्वांटिटी आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप काली मिर्च की जगह ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं या ग्रीन कोरिएंडर की लीव्स भी डाल सकते हैं। अब इनको मिक्स कर लेंगे। रेड चिली भी डाल सकते हैं, गरम मसाला डाल लीजिएगा जो आप व्रत में खाती हैं। फ्रेंड्स, यदि थोड़ा पतला लगे तो आप इसमें कुट्टू का आटा या सिंगाड़े का आटा भी मिला सकती हैं। और अब इसकी टिक्की के जैसा बना करके हम इसे या तो डीप फ्राई कर लीजिए या सेलो फ्राई कर लीजिए। इसमें मैं थोड़ा सा कुट्टू का ही आटा डालूंगी। 2 चम्मच के करीब मैंने कुट्टू का ही आटा डाला है। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, इसको हाथ में पानी या तेल लगा करके और थोड़ा थोड़ा लगा करके इसको टिक्की का आकार देंगे और तवे को गर्म करके इस पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। इस तरह से बना लीजिए फ्रेंड्स। इधर हम अपने तवे पर हल्का सा ऑयल जो है वो लगा देते हैं और इस पर एक एक टिक्की को उठा करके या एक एक कटलेट्स को उठा करके, और आप जैसा चाहे थोड़ा बड़ा पतला मोटा जैसा भी चाहे उसको फैला लीजिए। और जितने इस एक हमारे नॉन स्टिक तवे पर आए उतने आप इसको कर सकती हैं। और यदि आप इसको कम ऑयल में नहीं करना चाहती हैं तो आप डीप फ्राई भी इसे कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर इसको अब हम फ्राई करेंगे। अब इसको धीरे धीरे आप पकने देंगे और इस पर हल्का हल्का सा ऑयल इस तरह से डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से नीचे से सिकाई हो जाए इसकी और कच्चा ना रहे। और एक बार इनको तैयार होने में कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे मीडियम आंच पर। तीन से चार मिनट के बाद इनको हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम इसे धीरे से पलट लेंगे। ये फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हम इनको तैयार कर रहे हैं। अगर आपका मन करे तो पलटने के बाद ऑयल लगाना है तो लगाइएगा, अदरवाइज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह से करने पर आपको कम ऑयल आप खाएंगे और व्रत में जो है वो हेल्दी भी रहेगा। इस तरह से हम इसको उलटते पलटते हुए और बेक करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा
दबा करके भी इसको दबाइए भी, ताकि कच्चापन जो है वो ना रहे। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको ढक करके भी पका सकती हैं। फ्रेंड्स जब ये इस तरह से सिकती रहेंगी, हम इस बचे हुए स्पेस में अपनी दूसरी जो कटलेट्स हैं वो डाल सकते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए हमारा ये तैयार हो गए हैं। जो तैयार हो गए उनको निकाल लेते हैं। देखिए ये भी तैयार हो चुका है और इन्हें पलट देते हैं। हल्का ऑयल लगा देंगे। गैस को कभी हाई कभी लो करेंगे। वैकेंट स्पेस में और अपने कटलेट्स लगा देंगे और इसे ढक देते हैं। जो तैयार हो गए हैं उसको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से हम व्रत के कटलेट्स बना सकते हैं। और यदि आपको ये अच्छा लगे मेरा मेथड, तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप ट्राई कीजिए, फिर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ऑन इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।